खाओ बनाओ 96 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग के लिए मैं तरह तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ, वो शॉर्ट वीडियो भी रहते हैं और लॉन्ग वीडियो रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वेलकम इन खाओ बनाओ 96। हेलो एवरीवन, आप लोग के लिए मैं एक क्विक रेसिपी लेके आ रहा हूँ। विद इन 3 to 5 मिनट्स हम लोग कढ़ी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट। हम लोग ने 150 ग्राम 100 ग्राम से 150 ग्राम हम लोग ने बेसन ले लिया हुआ है। 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून हम लोग ने लाल मिर्ची पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून हम लोग ने मस्टर्ड सीड लिया हुआ है। मसालों के बाद हम लोगों को थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ का पतला कटा हुआ अनियन, प्याज, 4 से 5 पतली पतली कटी हुई हरी मिर्ची, 4 से 5 गार्लिक पतला पतला कटा हुआ और 1/4 टीस्पून जिंजर कद्दूकस किया हुआ जैसे कि आप देख सकते हो, और 1 करी लीव्स आप 400 ग्राम टू 1/2 kg ले सकते हैं। हम लोग अभी यह हम लोग एक पैन के अंदर डालेंगे, उसके ऊपर से हम लोगों को हमारा बेसन ऐड कर देना, उसको स्लोली स्लोली मिक्स करना है। हमको इसको स्लोली स्लोली मिक्स करेंगे, देखना कि यहाँ पे कहीं नम्स ना पड़े रहे। इसमें हम हमारे पानी को स्लोली ऐड करेंगे, एक साथ हम लोग को ज़्यादा नहीं डालना। पानी को ऐड करने के बाद सिंपली हमें इसको मिक्स करना, स्लोली स्लोली मिक्स करना स्टार्ट करना, यानी हमारे शेप तक इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे आप अपने मनपसंद का ऑयल डाल सकते हो, 1 टीस्पून। टीस्पून ऑयल मैंने ऐड कर लिया है। मैं गैस का फ्लेम स्लो करूंगा। सबसे पहले मुझे मेरा मस्टर्ड सीड यहाँ पे ऐड करना है, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर थोड़ा जिंजर ऐड करना है, लहसुन ऐड करूंगा, मिर्ची ऐड करूंगा और ये हमारे कांदे को ऐड करना है। बेसिकली हम लोग को अच्छे से चला लेना है। इस चीज के लिए मैं करछुल का यूज करूंगा। थोड़ा सा भूनने के बाद हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, जिससे हमारे कांदे और जो मैंने स्टफिंग डाली हो वो जले ना। अब हमारे मसाले हम इसमें हम ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। इस स्टेज पे हल्का सा पानी का फुहारा मारना है, जिससे कि मसाले जले ना। हम लोग को करी लीव्स ऐड कर देंगे, फिर से थोड़ा पानी का छिट्टा मारेंगे, इसमें करी लीव्स अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमारे मसाले को दही से बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कढ़ी का घोल रेडी है और मैं इसको कैसे ऐड करूँगा वो भी आप लोग ध्यान से देखिए। हम लोग इसको आराम से उठा लेंगे, ऐसे चलाने के बाद हम लोग स्लोली स्लोली मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हाई रहेगा, हम लोग ऐसे मिला के डालना है और हमें दूसरा कोई प्रोसेस नहीं करना है। ऐसे देख सकते हो आप लोग, गैस का फ्लेम हाई है और हम लोगों ने इसको चलाते जाएंगे। आप देख सकते होगे बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारे कढ़ी को। अब इस स्टेज पे अभी उबाल नहीं आई कढ़ी में, हम लोग नमक ऐड कर दें। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो और हल्के से इसको चला देना है। इसको चलाते रहें जब भी का उबाल ना आ जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारे कढ़ाई में उबाल आ चुका है। अभी ये पीरियड हम लोगों को अच्छे से इसको पकाना है। सिंपल आपकी कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी और अगर आपको यहाँ पे पकौड़े अच्छे लगते हैं अनियंस के, तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हो। ओके, उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है, तो आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हो।